हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और ये आज प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का थर्ड लेक्चर है। और आज से हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं, और आज हम उसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के वीडियोस में हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के सभी पोजीशंस के बारे में स्टडी किए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स, जो कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम ड्रॉ करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो हमने आपको बताए थे। उसी के साथ साथ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के भी हमने सभी रूल्स बताए थे, सभी क्वाड्रेंट्स में जो पोजीशन होता है उसके बारे में बताए थे और उसके भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। और उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स में फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, तो क्वेश्चन रहेगा द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ लाइन मेजर 55 mm एंड 65 mm रिस्पेक्टिवली, देयर एंड प्रोजेक्टर्स आर 40 mm अपार्ट एंड वन एंड ऑफ द लाइन इज 10 mm अबव HP एंड इन द VP, ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड फाइंड द ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ये जो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हमने प्रॉब्लम पढ़े, ये पूरा प्रॉब्लम आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको वही रूल्स पता होना चाहिए जो हमने इसके पहले के लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप याद से वो लेक्चर जरूर देखिए, उसमें हमने सारे के सारे रूल्स बताए थे। कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम कितना भी इजी कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ हमने बताए थे। कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय क्या क्या ड्रॉ करना होता है वो हमने बताए थे। और उसकी एक झलक, ये देखिए एक झलक आपको यहां पे देखने को मिल रही है। ये पोजीशन नंबर 9 था, इट मींस लाइन इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP, वो हमने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताए थे। और हमने बताए थे कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ट्रू लेंथ क्या होती है, थीटा फाय अल्फा बीटा ये सब क्या होता है, लोकस क्या होता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट्स कैसे शो करना, वो हमने बताए थे। तो चलिए फाइनली आज के प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जो हमें सॉल्व करना है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले गिवन डाटा लिखने का, और गिवन डाटा लिखते समय कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में 5 डाटा दिया होता है। तो आइए क्या क्या दिया है क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ लाइन मेजर्स 55 mm एंड 65 mm, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ लाइन मेजर्स 55 and 65 mm, mm में दिया है, इट मीन्स ये लेंथ दिया है, इसका मतलब फ्रंट व्यू का लेंथ और टॉप व्यू का लेंथ दिया है। तो वो हम पहले गिवन डाटा में लिख लेते हैं। तो ये हम यहां गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन फ्रंट व्यू का लेंथ दिया है 55 mm और टॉप व्यू का लेंथ दिया है 65 mm। ओके, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आगे लिखा है देयर एंड प्रोजेक्टर्स आर 40 mm अपार्ट, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर दिया है 40 mm, तो उसको सिंबॉलिकली हम ऐसे शो करेंगे। ये देखिए, ये हम सिंबॉलिकली ऐसे शो करेंगे, यहां लिखेंगे D और यहां लिखेंगे 40 mm, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर 40 mm दिया है। और अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है वन एंड ऑफ लाइन इज 10 mm अबव HP, तो ये हम यहां पे शो करेंगे, यहां पे लिखेंगे गिवन डाटा में A' दैट इज 10 mm अबव HP, ये हो गया A'। और हम आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है एंड इन द VP, इन द VP माने जो एंड 10 mm अबव HP है वही एंड इन VP है, तो हम लिखेंगे A इन VP। देखिए यहां पे A' हमने लगाए क्योंकि पॉइंट का रिलेशन HP के साथ है, और यहां पे हमने डैश नहीं लगाया क्योंकि पॉइंट का रिलेशन VP के साथ है, जैसे हमने बताए थे इसके पहले के रूल्स में। और अब हम आगे पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड फाइंड ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ का वैल्यू, ट्रू लेंथ का लेंथ आपको यहां फाइंड आउट करना है, एंड ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, लाइन का ट्रू इंक्लिनेशन इट मीन्स थीटा और फाय, लाइन का ट्रू इंक्लिनेशन इट मीन्स ट्रू लेंथ जो डिग्री से इंक्लाइंड है, थीटा और फाय, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइनली हमें यहां ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है, तो ये हम लिखेंगे TL,
देन हमें थीटा फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क, देन हमें फाई फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए फाइनली पूरा गिवन डाटा आपके सामने है और ये गिवन डाटा का यूज करके हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमें चार लाइंस ड्रॉ करना है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको फोर लाइंस ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और दोनों ट्रू लेंथ, ये ऐसे टोटल चार लाइंस ड्रॉ करना है। इट मीन्स आपको ये ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करना है। बस ये हो गया कि आपको सबमिट करना है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस जो भी गिवन डाटा है वो हमेशा प्रॉब्लम के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको लिखना है और जो भी रिजल्ट निकलेगा वो राइट बॉटम कॉर्नर में आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये देखिए हम एक रेफरेंस लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई लाइन। तो ये रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन सेमी डार्क बनाएंगे, सेमी डार्क ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई लाइन हमेशा सेमी डार्क होना। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए एक्स वाई लाइन, इट मीन्स रेफरेंस लाइन। और यहां पे सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर सबसे पहले अटेम्प्ट करो। तो देखिए गिवन डाटा में सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर जो है वो हमें अटेम्प्ट करना है, जिसमें यहां लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर 40 mm है। तो चलो सबसे पहले एक फर्स्ट प्रोजेक्टर यहां ड्रॉ करेंगे और यहां से 40 mm दूर दूसरा प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए दो प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ किए, इनके बीच में का डिस्टेंस है 40 mm। आप ये सबसे ऊपर में लिखेंगे, जितना हो सके इतना ऊपर लिखो। तो ये हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 mm, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर 40 mm दिया था तो वो हमने यहां लिख लिए। और अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और क्या लिखा है। तो देखिए गिवन डाटा आपके सामने है, गिवन डाटा में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है दैट इज ये गिवन डाटा में है ए डैश 10 mm अबव एचपी। अब हम पॉइंट का पोजीशन यहां शो करेंगे, ए डैश जो है वो 10 mm अबव एचपी है, अबव एचपी, और ए है इन वीपी। देखिए हमने इसके पहले कहा था अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट इज अबव एचपी तो आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर शो करना है विथ डैश, और इन वीपी है इट मींस इन एक्स वाई ड्रॉ करना है। तो आइए वो हम ड्रॉ करेंगे, ए डैश जो है वो 10 mm अबव एचपी है, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर 10 mm ऊपर आप ए डैश लेंगे। तो ये हमने 10 mm ऊपर ले लिए ए डैश, तो हम यहां लिखेंगे ए डैश, और ए लिखा है इन वीपी इट मींस इन एक्स वाई, तो उसी प्रोजेक्टर पे यहां पे ए इन एक्स वाई हमने शो किए। ये देखो ए डैश और ये ए, ए डैश जो है वो ये जो पॉइंट है ये कितना ऊपर है ये आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा, इट मींस इसका डायमेंशन आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हमने यहां पे डिस्टेंस लिख लिया है कि पॉइंट ए 10 mm अबव एचपी है, तो गिवन डाटा में ये ए डैश और ए बी हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब देखिए यहां फ्रंट व्यू का लेंथ दिया है और टॉप व्यू का लेंथ दिया है, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का लेंथ आपको आपको यहां पे मार्क करना है। तो फ्रंट व्यू ये देखिए यहां पे फ्रंट व्यू जो है वो यहां पे होता है, फ्रंट व्यू माने ए डैश बी डैश। तो फ्रंट व्यू का लेंथ दिया है गिवन डाटा में 55 mm और टॉप व्यू का लेंथ दिया है 65 mm, इट मींस ए डैश बी डैश का लेंथ दिया है और ए बी का लेंथ दिया है। तो सीधा सीधा आप कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास में 55 mm और 65 mm का लेंथ लेंगे और फ्रंट व्यू ऊपर मार्क करेंगे, टॉप व्यू नीचे मार्क करेंगे, क्योंकि यहां पे बी डैश और बी आने वाला है, बी डैश इधर आएगा इट मींस फ्रंट व्यू का पॉइंट और बी यहां पे आएगा इट मींस टॉप व्यू का पॉइंट। तो ये देखिए ये हमने कॉम्पास में 55 mm का लेंथ लिए, कॉम्पास का सेंटर ए डैश पे हम रखेंगे, ए डैश एज अ सेंटर यहां पे आप इधर कट करेंगे। ये देखिए ये हमने इधर कट किए तो यहां पे हमें बी डैश मिल जाएगा, तो ये हमें यहां मिल गया बी डैश, हम यहां लिखेंगे बी डैश। और अब कॉम्पास में 65 mm का लेंथ ले लेंगे और 65 mm का लेंथ जो है वो आपको नीचे कट करना है, इट मीन्स एज अ टॉप व्यू। तो 65 mm का लेंथ हमने यहां ले लिए, ए एज अ सेंटर, ये देखिए ये जो ए है ए एज अ सेंटर आपको ये इधर नीचे कट करना है। तो ये देखिए यहां पे हमने कट किए तो यहां पे हमें मिल गया टॉफी का पॉइंट बी, और अब ए डैश बी डैश को ज्वाइन करेंगे तो फ्रंट व्यू का लेंथ मिलेगा, ए बी को ज्वाइन करेंगे तो टॉफी का लेंथ मिलेगा। तो फाइनली हमें फ्रंट व्यू यहां मिल गया, तो हम इसके ऊपर लिखेंगे एफ वी इट मीन्स फ्रंट व्यू, और ये टॉप व्यू हमें मिल गया तो इसके ऊपर हम लिखेंगे टी वी। तो इस तरह से, और अब देखिए अब हमें ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है, जो हमें चार लाइंस ड्रॉ करना है चार में से दो लाइंस ड्रॉ हो गई, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है वो यहां पे ड्रॉ हो गया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। देन अब हमें ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है, ट्रू लेंथ ऊपर भी होता है ट्रू लेंथ नीचे भी होता है, तो वो कैसे ड्रॉ करना, तो ट्रू लेंथ ड्रॉ करने के लिए आपको रूल नंबर 3 अप्लाई करना है। रूल हमने क्या बताए थे, देखिए रूल नंबर 3 ऐसा है कि फ्रंट व्यू को अगर आप रोटेट करेंगे और वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको नीचे का ट्रू लेंथ मिलता, या अगर आप टॉप व्यू को रोटेट करके वर्टिकली ऊपर लेके जाएंगे तो आपको ऊपर का ट्रू लेंथ मिलता। तो हमें वही करना है, ये देखिए ये जो फ्रंट व्यू है फ्रंट व्यू को रोटेट करके वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो देखो नीचे ट्रू लेंथ मिलेगा, तो हमें वही करना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू का ये जो बेस पॉइंट है ए डैश, पहले तो वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ए डैश से हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली पैरेलल टू एक्स वाई,
तो ये देखिए फ्रंट व्यू का लेंथ हम कॉम्पास में ले लेंगे, कॉम्पास का सेंटर ए डैश पे रहेगा, ए डैश एज अ सेंटर, ये देखिए ये जो ए डैश है ए डैश पे आपको कॉम्पास का सेंटर रखना है और फ्रंट व्यू को रोटेट करना है। तो ये हमने फ्रंट व्यू को ऐसे रोटेट किए, ये देखिए फ्रंट व्यू को हमने रोटेट किए और अब इसको वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो नीचे आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगा। तो नीचे कहां तक उसको उसको कहां पे हमें ट्रू लेंथ मिलेगा, तो ये बहुत आसान है। तो देखिए हम सबसे पहले इसको नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे, तो ये हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे एग्जैक्टली, प्रोजेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई रहेगा। और अब हमें क्या करना है, देखिए नीचे हमने प्रोजेक्ट किए, हम इसको यहाँ पे एरो के थ्रू शो करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए एग्जाम में ड्रॉ करते समय एरो आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। अब हमें यहाँ नीचे ट्रू लेंथ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको रूल नंबर टू अप्लाई करना है। रूल नंबर टू हमने क्या बताए थे, हमने बताए थे कि फ्रंट व्यू का पॉइंट और उसके साइड के ट्रू लेंथ का पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है, उसी तरह से टॉप व्यू का पॉइंट और उसके साइड के ट्रू लेंथ का पॉइंट भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है। तो हमने यहाँ पे वही अप्लाई करना है, ये टॉप व्यू का पॉइंट है तो उसी के साइड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे ट्रू लेंथ का पॉइंट भी होगा। इट मींस रूल नंबर टू, इट मींस हमें लोकस ड्रॉ करना है, लोकस ऑफ बी। तो एक्स वाई लाइन को एक्जैक्टली पैरेलल जो है आप यहां पे ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई लाइन को एक्जैक्टली पैरेलल हम ये एक टॉप व्यू के पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने ड्रॉ किए तो ये यहां पे कट गया, जहां पे कटा वो आपको ट्रू लेंथ का पॉइंट मिल गया। ये रूल नंबर टू है, इट मींस हमने ये लोकस ऑफ बी यहां पे ड्रॉ कर लिए तो वो पॉइंट को हम कहेंगे यहां पे बी वन। तो ये ट्रू लेंथ का पॉइंट है, हमने इसको नाम दिया बी वन। और अब ये बी वन ये ए से ज्वाइन करेंगे तो हमें ट्रू लेंथ का लेंथ यहां पर मिल जाएगा। तो आइए यहां पर ज्वाइन करेंगे ए से, तो ये देखिए ये हमें ट्रू लेंथ का लेंथ मिल गया। आप इसके ऊपर लिखेंगे टी एल, क्योंकि ये ट्रू लेंथ है तो हम इसके ऊपर लिखेंगे टी एल। तो इस तरह से, तो फाइनली अब हमें नीचे भी ट्रू लेंथ मिल गया, बस ऊपर हमें ट्रू लेंथ नहीं मिला। तो ऊपर के ट्रू लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के ट्रू लेंथ के लिए हम वही करेंगे जो नीचे के ट्रू लेंथ के लिए किए थे। हमने क्या किए थे, फ्रंट व्यू को रोटेट किए थे, फ्रंट व्यू को रोटेट किए थे और वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट किए थे तो हमें नीचे ट्रू लेंथ मिला था। अब हम टॉप व्यू को रोटेट करेंगे, टॉप व्यू को रोटेट करेंगे और ऊपर वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें ऊपर का ट्रू लेंथ मिलेगा। और जाहिर सी बात है रूल नंबर टू हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि ये फ्रंट व्यू का पॉइंट है तो रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग यही फ्रंट व्यू के राइट साइड में ट्रू लेंथ का पॉइंट आएगा। क्योंकि हमने रूल जो हमने इसके पहले के लेक्चर में बताए थे उसमें ये भी हमने रूल बताए थे कि ट्रू लेंथ का पॉइंट हमेशा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के पॉइंट के राइट साइड में आता है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का पॉइंट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ट्रू लेंथ का पॉइंट हमेशा राइट साइड में होता है। ये फ्रंट व्यू का पॉइंट है तो इसके राइट साइड में ट्रू लेंथ का पॉइंट आएगा, ये कंफर्म है क्योंकि हमने वो रूल बताए थे। तो चलो इसके राइट साइड में ट्रू लेंथ का पॉइंट अगर आएगा तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल टू एक्स वाई, इट मींस यहां पे लोकस ड्रॉ कर लो, लोकस ऑफ बी डैश। तो ये देखिए हमने एक एग्जैक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए पैरेलल टू एक्स वाई, इट मींस हमने लोकस ऑफ बी डैश ये जो आपको दिख रहा है लोकस ऑफ बी डैश ये हमने ड्रॉ कर लिए और इसी के राइट साइड में ट्रू लेंथ का पॉइंट आएगा। और ट्रू लेंथ का पॉइंट अगर आपको निकालना है यहां पे तो बहुत आसान है, टॉप व्यू का लेंथ लो, टॉप व्यू को रोटेट करो, जो टॉप व्यू है वो आप कॉम्पास में लेंगे, ए एज अ सेंटर, टॉप व्यू का ये जो एंड बी है इसको यहां तक ऐसे रोटेट करके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ऊपर ट्रू लेंथ मिलेगा। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं करना है तो एक आसान तरीका बताते हैं, जितना ट्रू लेंथ नीचे है उतना ही ट्रू लेंथ आप ऊपर मार्क करो, क्योंकि हमने बताए थे कि ट्रू लेंथ का लेंथ हमेशा ऊपर नीचे सेम होता है। तो ये देखिए ये हमने कॉम्पास में ट्रू लेंथ का लेंथ ले लिए, ये देखिए ये हमने ट्रू लेंथ का लेंथ ले लिए और यही ट्रू लेंथ का लेंथ आप ये ए डैश एज अ सेंटर, ए डैश एज अ सेंटर आप इधर कट करेंगे। देखिए हमने इधर कट किए, इट मींस हमें ट्रू लेंथ मिल गया और हमें ट्रू लेंथ का पॉइंट मिल गया, हम उसको नाम देंगे एज अ बी बी वन डैश, क्योंकि यहां पे बी डैश हो गया तो नया नाम हमने दे दिया बी वन डैश। और अब ये ट्रू लेंथ का पॉइंट आप ए डैश से ज्वाइन करेंगे तो ए डैश से ज्वाइन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो फाइनली हमें यहां ट्रू लेंथ मिल गया, हम यहां लिख लेंगे टी एल। तो देखिए हमने यहां ट्रू लेंथ मिल गया टी एल। तो आप प्रॉपरली चेक करो, ये जो हमने यहां पे एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना के रखे हैं ये उसी तरह के यहां पे एक नया डायग्राम बन गया। तो ये जो हमने बनाए हैं, अब इसमें एंगल्स वगैरह शो करो। तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द एंगल थीटा एंड फाई, तो यहां पे ट्रू लेंथ का एंगल आपको यहां मिल जाएगा थीटा, तो यहां आपको मिलेगा थीटा, ट्रू लेंथ का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ आपको एचपी के साथ थीटा, और यहां पर आपको नीचे आपको एंगल मिल जाएगा फाई, तो यहां आप लिखेंगे फाइ। और रिजल्ट हमेशा राइट बॉटम कॉर्नर में लिखना है तो हम यहां लिखेंगे रिजल्ट, रिजल्ट हमें यहां लिखना है, जो आपने ट्रू लेंथ यहां मिल रहा है वो ट्रू लेंथ का लेंथ आपको यहां लिखना है, थीटा जो आपको मिल रहा है वो कितना डिग्री है वो आपको लिखना है,
फाइव जो आपको मिल रहा है वो कितना डिग्री है वो आपको यहां लिखना है। तो इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। और ये था प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट प्रॉब्लम जो आज हमने कवर किए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया है। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।